दिस गाय पंच्ड फ्रोगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसकी क्लिप्स दिख जाएंगी सारी की सारी। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, विच मीन्स दिस वीडियो इज नॉट मोनेटाइज्ड। आई एम नॉट मेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम दिस वीडियो। जो मैं आपको चीजें दिखाने जा रहा हूँ उससे आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। Now before I go on to my main point, I just want to reply to some of the accusations that were made by Sham Idrees against me. First of all, me calling you out to a boxing match. हाँ, मैंने आपको कॉल आउट किया था, लेकिन मैंने प्रोफेशनली किया था। मैंने आपको ईमेल की थी, आपकी टीम ने रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद मैंने बात ही नहीं की। आपको याद होगा। Which YouTuber wants to fight boxing? दूसरी बात, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं आपकी बीवी के ऊपर हंस रहा था जब उनको अटैक हुआ। अटैक हुआ, अभी ये आप वीडियो देखते जाएं। मैंने इंस्टाग्राम पे किसी की वीडियो शेयर की थी जिसपे हम हंस रहे हैं, और भाई साहब ने उसको उठा के उसका फायदा उठाया। और जब मुझे अटैक का पता लगा, मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी ताकि कोई ये ना समझे कि मैं औरत के अटैक के ऊपर हंस रहा हूँ। एंड मिस्टर शाम, आई बीन इन पाकिस्तान वेल बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड, सो डोंट गिव योरसेल्फ दैट मच इंपॉर्टेंस। इट्स थिंकिंग लाइक दैट दैट्स कॉल्ड योर ईगो वेयर इट इज टुडे। अभी तक मैंने जितने भी बातें की हैं सबको भूल जाओ। अब जो वीडियो बनाने का मकसद है उसकी बात करता हूँ। So I assume कि सब ने ये वीडियो देखी होगी। As you guys know, Froggy was attacked yesterday. अब जिस बंदे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, उस बंदे ने मुझे मैसेज किया ऑन इंस्टाग्राम, एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से। माय नेम इज सैम, और शाम ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उसने कहा कि फ्रॉगी गॉट पंच्ड बाय दिस गाय। उसकी खाली शर्ट दिखाई है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई, और उसकी खाली बैक क्लिप दिखाई है, उसकी फ्रंट क्लिप नहीं दिखाई। और उसकी फ्रंट क्लिप आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने डक्की और राइम भाई को सेंड कर दी है। मैं उस वक्त वहाँ था, डक्की डक्की के नारे लग रहे थे, और जब शाम अदरीस और सबकी एग्जिट हो रही थी तो मैं वहाँ पर गया और मैंने खाली शामिर अब्बास का कॉलर खींचा, और उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है। मैंने खाली कॉलर खींचा और मेरा हाथ फ्रॉगी को टच तक भी नहीं हुआ उस वीडियो में। और अगले दिन जब फ्रॉगी की वीडियो आई, सो आई गॉट पंच, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैंने गलत किया। तो मैंने शामिर को मैसेज किया, आई एम फीलिंग वेरी डाउन दैट आई पुल योर शर्ट। उसको मैंने ऐसा बड़ा लंबा सा मैसेज किया, अगर आप कराची में हो अपनी जगह बताओ, जहाँ मिलना है मैं आऊँगा, आप फेस टू फेस अपोलोजाइज कर लेते हैं। पर उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया। अगले दिन शामिर ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली कि दिस गाय पंच्ड फ्रोगी, जिसके पिक्सल्स भी सही नहीं थे और दिखाया मुझे जा रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसकी क्लिप्स दिख जाएंगी सारी की सारी, कि मैंने फ्रोगी को पंच नहीं किया, मैंने खाली शामिर का कॉलर खींचा था, और उसके बाद मैंने उसको अपोलोजाइज मैसेज भी किया था। सो हियर इज द रियल एंगल ऑफ द सेम वीडियो क्लिप। तेनू शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जस्ट टू रिपेयर योर वेरी बैडली डैमेज्ड रेपुटेशन। नाउ डोंट इवन थिंक ऑफ कॉन्टैक्टिंग दिस यंग मैन हु हैज हैड द गट्स टू स्पीक आउट बिकॉज ही इज टेरिफाइड बिकॉज ऑफ योर गलत इल्जाम। नाउ आई डोंट केयर व्हाट एनीवन एल्सस ओपिनियंस आर ऑन दिस, आई डोंट केयर व्हाट योर ओपिनियन इज ऑन दिस मैटर, द फैक्ट्स आर ऑल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गुड बाय।